स्वास्थ्य खंड सगड़हा में आज 52 में से 15 लोग पाए गए कोरोना पॉजिटिव। दूसरे दिन भी 28% रही कोरोना पॉजिटिविटी दर। एमवीएक्ट की अवहेलना के लिए पुलिस ने आज किया 10 चालान। मेडिकल ब्लॉक सगड़हा में शुक्रवार को दूसरे दिन भी कोरोना पॉजिटिविटी दर 28% रही। क्षेत्र में आज हुए 52 रैपिड एंटीजन टेस्ट में से 15 पॉजिटिव पाए गए, जबकि इससे पहले गुरुवार को 14 में से 4 लोग पॉजिटिव पाए गए थे। जानकारी के अनुसार इससे पहले बुधवार को 35 में से 8 व मंगलवार को 61 में से 18 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। क्षेत्र में होने वाले आरटीपीसीआर सैंपल संबंधी रिपोर्ट विभाग व प्रशासन से उपलब्ध नहीं हो पा रही है, क्योंकि मेडिकल कॉलेज नाहन से दूसरे दिन उक्त रिपोर्ट संबंधित स्वास्थ्य अधिकारियों को मिल पा रही है। क्षेत्र में ओमिक्रॉन वेरिएंट संक्रमण दस्तक दे चुका है या नहीं, इस बारे जीनोम सिक्वेंसिंग रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा और बीएमओ के अनुसार जल्द जीनोमिक सिक्वेंसिंग के लिए सैंपल भेजे जाएंगे। गत 8 जनवरी को क्षेत्र में हुए भारी हिमपात के बाद से इलाके में लगातार हरियाणा व दिल्ली चंडीगढ़ तथा पंजाब आदि से लगातार पर्यटक अथवा बर्फ देखने लोग पहुंच रहे हैं और कोविड नियमों की अवहेलना कर सैलानियों से भी कुछ लोग इलाके में कोरोना अथवा ओमिक्रॉन संक्रमण फैलने की आशंका जता रहे हैं। कोरोना संक्रमण के बावजूद इलाके में स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल है और उपमंडल मुख्यालय पर मौजूद सगड़ा अस्पताल में जहां पिछले करीब 11 माह से 108 एम्बुलेंस नहीं है, वहीं डॉक्टर की संख्या 2 है और ऑक्सीजन बेड 1 ही बताया जा रहा है। स्वास्थ्य खंड के अंतर्गत आने वाले कुल 26 हेल्थ सब सेंटर में से प्राप्त जानकारी के अनुसार केवल 7 में ही 1-1 कर्मचारी है और अन्य स्वास्थ्य उपकेंद्रों में ताले जड़ने की नौबत आ चुकी है। एमवीएक्ट की अवहेलना के लिए आज सगड़ा में हुए 10 चालान। चालकों को रोड सेफ्टी के प्रति जागरूक भी कर रही है पुलिस। वाहन अधिनियम की अवहेलना के लिए उपमंडल सगड़ा में आज 10 चालान किए गए। उप चालान करने वाले ट्रैफिक इंचार्ज खुशहाल चंद द्वारा इस दौरान चालकों से वाहन हादसों से सावधान रहने की भी अपील की गई। गौरतलब है कि इन दिनों बर्फ व पाले से प्रभावित क्षेत्र की सड़कों पर वाहन हादसों का अंदेशा आम दिनों से ज्यादा रहता है और हाल ही में एक बाइक हादसे में जहां 2 लोगों की जान गई, वहीं एक अन्य पिकअप हादसे में एक शख्स की जान जा चुकी है। डीएसपी संगड़ा शक्ति सिंह के अनुसार पुलिस द्वारा चालान के साथ साथ चालकों को एमवीएक्ट तथा रोड सेफ्टी के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है।